हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल एक सब्ज़ी है, ककोड़े की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। इसके इतने फ़ायदे हैं ना कि आपको मैं गिनाने चलूँ तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ककोड़े सभी को ज़रूर खाने चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस ककोड़े की सब्ज़ी को आज हमने बनाया है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मसालेदार ककोड़े की सब्ज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए ले लिए हैं मैंने यहाँ पे एक पाव ककोड़े। ये देखिए, इस तरह के होते हैं, गोल गोल, थोड़े ऊपर कांटे से होते हैं, लेकिन ये चुभते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में से बीज निकलते हैं, तो पक्के बीज हो तो आप निकाल सकते हो और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी शेप में आप काट सकते हो, गोल या लंबे। ये देखिए, अंदर से थोड़े पक्के बीज होते हैं तो उनको काट लेते हैं, लेकिन अगर कच्चे हों तो उनको ऐसे ही बनाते हैं बीज के साथ ही। तो यहाँ थोड़े से अनियन ले लिए हैं और ये मसाले में लिया है जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और 2 पिंच हींग। तो ये बेसिक से मसाले लिए हैं और ये हमारी टेस्टी सी मसालेदार ककोड़े की सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो एक कढ़ाई में सबसे पहले हम ककोड़े को फ्राई कर लेंगे। तो ककोड़े बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, विटामिन ए से भरपूर होते हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है, तो यहाँ पे फैट की भी कोई चिंता नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी कोई टेंशन नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, ककोड़े के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने ककोड़े को फ्राई कर लिया। ऑयल में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग और सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज में थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो उससे प्याज हमारा जल्दी से फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सॉल्ट डालने से प्याज पानी रिलीज़ कर देता है और जल्दी ही गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाता है। तो इस तरह से हल्का हम प्याज को सेक लेंगे और ये लिया है मैंने अचार का मसाला, सौंफ, मेथी दाना और जीरा का, जो हमारा अचार का दरदरा सा मसाला होता है ना, वो लिया है। इससे बहुत अच्छा अचारी टेस्ट आएगा हमारे ककोड़े की सब्ज़ी में। तो यहाँ अब हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे, हींग, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस यही बेसिक से मसाले डालेंगे और हमारी टेस्टी सी ककोड़े की मसालेदार सी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ककोड़े के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक बार आप देखेंगे ना तो बार बार इस सब्ज़ी को बनाने का मन करेगा। तो ये हमारे पेट में किडनी स्टोन वगैरह जो होती है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अब थोड़ी सी हम बिना प्याज की भी बना के दिखा देते हैं। ऑयल में थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा, 2 पिंच हींग और सारे मसाले, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले फ्राई कर लेंगे। हल्के से मसाले जैसे ही फ्राई होंगे तो हम इसमें डाल देंगे ककोड़े। तो ये हमारी बिना प्याज की भी ककोड़े की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो आपका जैसा दिल करे, प्याज वाली या बिना प्याज वाली, आप वैसी बनाइए, खाइए और इसके फ़ायदों से अपने आप को लाभान्वित कीजिए। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक बार बनाना तो बनता है। और बरसात के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्ज़ी मानी जाती है। तो बरसात के मौसम में हम सभी को ये वाली सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। तो ये देखिए, हमारी प्याज वाली ककोड़े की सब्ज़ी भी बनके तैयार है। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अच्छा सा खटास आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अमचूर पाउडर से इसमें, खट्टा खट्टा। तो ये हमारी सब्जियां बनके तैयार हो गई है, लाखों गुणों से भरपूर ककोड़े की सब्ज़ी, मसालेदार, प्याज वाली और बिना प्याज वाली हमारी तैयार है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाली सब्ज़ी। तो इस बरसात के मौसम में आप सभी को ज़रूर खानी चाहिए दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर कही जाने वाली ककोड़े की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।